माशाल्लाह सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित अली और आप लोग देख रहे हैं मलिर प्रोक्स। हम इस वक्त मौजूद हैं अर्जीना पर। अच्छा, अर्जीना में जो है वो हम लोग आए हुए हैं और इस वक्त जो है वो पानी का जो रफ्तार है वो ज़बरदस्त है और बांग पानी है, बांग का एंड तकरीबन, ठीक है ना। और सुबह का तकरीबन जो है वो 8 बज रहे हैं। हम लोग आए हुए हैं शिकार करने के लिए। मैं हूँ, आकिब भाई है यहाँ पर पीछे जो है वो शिकार कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पीछे जो है वो कुनैन भाई है, आए करो, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो हमारा शिकार अच्छा होगा और आप लोग को हम लोग स्ट्राइक पर स्ट्राइक दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, आई माशाल्लाह। ये होता काला, समझते काला काला दंदिया यार, सोने डोला ना प्यारा था यार। माशाल्लाह, कम से कम जो है वो 1 किलो का दाना है यार, 1 किलो का दाना हकीब भाई ने पकड़ा है ब्रिज से। हम लोग तकरीबन यार 1 साल हो गया यहाँ पर आए हुए, 1.5 साल। डेढ़ यहाँ पर पानी पहले जो वो था, क्या था, मीठा था, लेकिन अभी जो है वो खुशखबरी है, खुशखबरी है, अभी जो है वो मीठा खारा है। बात सुनिए, बात सुनिए, पहले सीन ये हुआ कि छूट गया, पहले निकल गया, रुख नहीं हुआ, अब तो मैंने अबकी बार जो है ना रुख कर लिया इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरा दाना आकिब भाई का आटे से जो है वो काला काला दन दिया, काला काला। अरे जबरदस्त आकिब भाई, तुम तो रिकॉर्ड करके तुमने आज मतलब तुमने तैयार किया हुआ आज जो है वो रिकॉर्ड कायम करना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। यार माशाल्लाह, आटे से जो है वो हम लोग ब्रिज पर आए 1 साल के बाद और माशाल्लाह हम 3 बंदे और दूसरा दाना, दूसरा डोरी पे दूसरा दाना यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, साइज चेक करो, साइज छोटा मोटा नहीं, ये तो बड़ो वाला कहानी, ये तो डांग वाला कहानी चल रहा है भाई। माशाल्लाह यार, तो तकरीबन जो है वो ये दाना होगा 1/2 किलो का। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो है वो इसको कहते हैं जो है वो कुलंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है मीठा पानी का है, असल में यहाँ पर मीठा और कारा दोनों मिक्स होता है, इसीलिए जो है वो कुलंग भी माशाल्लाह जो है वो किलो का दाना है, किलो वाला जो है वो कुलंग आके बैग की तरफ से, मीठा पानी का कुलंग माशाल्लाह, कुलंग कुलंग एक और कुलंग, और ये कुलंग तकरीबन 1 किलो का दाना है, ये बहुत बड़ा दाना, बहुत बड़ा कुलंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 किलो का, बल्कि 1.5 किलो का यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई जबरदस्त आकिब भाई का जो है वो एक और स्ट्राइक। साफ ज्यादा निकला, तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो का कुलंग निकला है, कुलंग निकला है। अपनी जबान में उसको कुलंग बोलते हैं, बाकी उर्दू में पता नहीं है भैया यार। मिक्स पानी हो रहा है, मीठा भी लग रहा है, मछली कारा भी मछली लग रहा है भाई। मैं जो है वो कहता हूँ आकिब भाई, क्या आप आज रिकॉर्ड कायम करना चाहते हो यार? बिल्कुल ऐसे ही, हम लोगों ने अभी तक मछली नहीं पकड़ा है, 2 घंटा हुआ तकरीबन शिकार करने का, मछली इस भाई ने जो है वो तकरीबन 4-4.5 किलो मछली तो पकड़ लिया अभी से। हम जो है वो ब्रिज से आ गए यहाँ पर, उसकी रीज़न ये है कि ब्रिज में जो है पानी बहुत तेज था, क्योंकि पानी का उतार था। वहाँ से हम लोग वहाँ पर तो दाने जो है अच्छे कैसे लग रहे थे आपको दिखाया भी। अभी जो है हम लोग आ चुके हैं जो है पंखों की तरफ, पीछे देखे हम लोग पंखे हैं, ठीक है, पीछे हमारे तो इस तरफ जो है वो दाने जो है वो छोटे हैं अभी तो फिलहाल, छोटे छोटे दाने जो है वो नायरा टाइप के जो है वो मुँह मारी कर रहे हैं। तो लेट्स सी देखते हैं, उम्मीद है कि इन्हीं से फिलहाल हम लोग जो है वो गुजारा कर लेते हैं, हो सकता है 1-2 दाना बड़े भी निकले। फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह अगर पानी चढ़ाओ स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे हम सीधा वापस ब्रिज की तरफ। फिलहाल जो है वो खाने का टाइम है और हमारे पास खाने में क्या है भाई, खाने में हमारे पास है रोटी, ये है दही, सिर्फ दही और रोटी के साथ ही स्पेशली जो है वो आते हैं जब शिकार करने के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार कुछ स्पेशल होता है लेकिन हमेशा से जो है वो हम यही करते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ है कि अगर हम जो है वो कोई और आड किस्म का जो है वो खाना खाए तो उससे हमारा पेट होगा ख़राब और यहाँ पर लेंगे हमें मोशन, तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ रोटी प्लस दही। अभी अभी खाना ख़त्म किया और खाना के साथ ही जो डोरी लगे हुए थे, हाँ मेरा डोरी लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मच्छी अभी तक फिलहाल चेक कर नहीं किया है। लेकिन कुनैन भाई का जो है वो दाना लग चुका है 1 नायरा, और कुनैन भाई आपको मुबारक हो पहला नायरा। अभी जो है ना वो हम यहाँ से निकल रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ही बेकार थी। पहला बेकार चीज़ ये था कि मच्छी नहीं था और कग्गा पर कग्गा था, इस भाई साहब ने बहुत सारे कग्गे लगे, तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर कग्गे लगे थे, वो भी छोटे छोटे, तो इसीलिए हम निकल रहे हैं। दूसरा रीज़न इसका यहाँ पर जाने का ये है कि भाई मेरे के यहाँ पर है कुत्त, कुत्त वो सुआ क्या कहते हैं इसको आप लोग, किस्सू किस्सू,
तो पिस्तू यहाँ पर बेताशा है। मैं कहता हूँ कि यार ये दोनों चीजें को ऐसे हम यहाँ से निकल रहे हैं। पानी बिल्कुल मरा हुआ पानी, और इनको इसे पानी भी जिंदा होने वाला है नहीं, क्योंकि पानी चढ़ेगा तो जिंदा होगा। हमने फैसला किया यहाँ से निकलेंगे सीधा पुल की तरफ, पुल के नीचे हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फिर शिकार करेंगे जब पानी चढ़ाव स्टार्ट होगा। मामला कुछ ऐसे हैं कि हम लोग उस वक्त जो है पुल के नीचे पहुंच चुके हैं, और पानी का आप देखो पानी का एक छोटा सा रेला जा रहा है, और अगर चढ़ेगा तो पानी तो यहाँ पर भी आ जाएगा पानी, आप देख सकते हो, क्योंकि सर्दियों में जो है वो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जो है वो उतार होता है और चढ़ता भी बहुत ज़्यादा ही है। तो ये सिस्टम है यहाँ का, और अभी फ़िलहाल जो है हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो पानी चढ़े फिर हम लोग यहाँ पर शिकार करें, क्योंकि छोटे से नाले पे मछली तो होगा नहीं। दोस्तों शिकार यहीं पर एंड को पहुंचता है, और आज का दिन जो है शिकार अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन रहा। तकरीबन जो है वो 4-5 किलो मछली हम लोग पकड़े, काला धंधे भी शामिल था उसके अंदर, और कुलंग जो मीठे पानी का मछली है वो भी शामिल था। तो अब मज़ा तो आया सिर्फ और सिर्फ ब्रिज के ऊपर, हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर ख्वार हुए, मछली नहीं लगा। अभी दिन के हो रहे हैं 5 बजे, और हम लोगों ने यहाँ से निकलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।